लुहमान और मायरा, तुम्हारे पास कुछ तस्वीरें हैं जिनमें आई से आने वाले वर्ड्स हैं। तो एक एक तस्वीर उठाओ और उनके वर्ड्स को बोलो। जी हाँ। हाँ, पहली बताओ मायरा। ये एक इग्लू है। इग्लू यानी बर्फ का घर। ये एक आइस है। गुड, आइस यानी बर्फ। ये एक आइसक्रीम है। गुड, ये एक आइसक्रीम है। ये एक इंजेक्शन है। गुड, ये एक इंजेक्शन है। ये एक इंक की बॉटल है। गुड, ये एक इंक की बॉटल है। ये एक आयरन है। ये एक आयरन है। ओके, ये एक इग्वाना है। ओके, ये एक इग्वाना यानी एक तरह की छिपकली है। ओके, चलो लुहमान, अब हम क्या करते हैं, आई से हमने तुम दोनों ने वर्ड्स बता दिए। अब ये जो वर्कशीट है उसमें जो वर्ड है वो पढ़ो और जहाँ जहाँ पर आई है उसको अंडरलाइन करो। जी हाँ। ठीक है, चलो बताओ। ये एक पिन है। हाँ पी ठीक, में तीन वर्ड है, PIN। हाँ आई बीच में है। हाँ दूसरा क्या है? ये एक पिग है। पिग में बीच में आई हाँ, है। ओके। ये एक सिक्स है। सिक्स में बीच में आई है। ओके, ये एक किट है। किट में आई बीच में है। अंडरलाइन कर दो उसको। जी हाँ। ये एक विंग है। विग है। ये एक विग है। विग में आई बीच में है। ठीक है। ये एक बिन है। बिन में आई बीच में है। गुड। ये एक फिश है। फिश में आई बीच में है। ठीक है, अंडरलाइन कर दो उसको भी। ये एक रिंग है। रिंग में आई बीच में है। ठीक है। ये एक गिफ्ट है। गिफ्ट में आई बीच में है। गुड, बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से हमने जो भी हमारे स्पेलिंग है आई उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो तुम लोगों को ए, ई और आई तीनों भी समझ आ गए? जी हाँ। ठीक है, शुक्रिया।